यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यशायाह अध्याय 31। हाय उन पर जो मिस्र को सहायता पाने के लिए जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं और रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज में लगते हैं, परंतु वह भी तो बुद्धिमान है और दुख देगा और अपने वचन न टालेगा। वह उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा, क्योंकि मिस्री लोग तो ईश्वर नहीं मनुष्य ही है और उनके घोड़े आत्मा नहीं शरीर ही है, और जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा है कि जिस प्रकार सिंह व जवान सिंह अपने अहेर पर गुर्राता हो और चाहे चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए तो भी वह उनके बोल से न घबराए और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उनको बिन छुए ही उद्धार करेगा। हे इसराइलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो घृणा करोगे। तब अश्शूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे और वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम ध्वजा के कारण विस्मित होंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है उसी की यह वाणी है।